कोरिया के हृदय स्थल हल्दीबाड़ी का घड़ी चौक कबूतर खाने में तब्दील हो चुका। आपको बता दें घड़ी चौक निर्माण तिथि से घड़ी लगने और चलने का इंतजार आज भी है। लोगों का आरोप है कि घड़ी चौक भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। चिरमिरी के हल्दीबाड़ी भैचा दफाई स्थित राधा कृष्ण मंदिर में कार्तिक पूर्णिमा का पर्व बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। पर्व को लेकर सुबह से ही भक्त झाल मजीरा लेकर हरे रामा हरे कृष्णा का जाप करते हुए झूमते नजर आए। पच्चीस वर्षों से लंबित पानी टंकी का शुभारंभ अंततः महापौर के डमरू रेड्डी के हाथों संपन्न हुआ। माना जा रहा है कि चिरमिरी के 6 वार्डों में अब नियमित पानी मुहैया हो सकेगा। नगर पालिक निगम चिरमिरी द्वारा सौंदर्यीकरण के नाम पर लाखों रुपए की सजावट धूल फांकने को मजबूर है। बताया जा रहा है कि निगम ने सौंदर्यीकरण के नाम पर निर्माण तो करा दिया, लेकिन देखरेख और साफ सफाई करना भूल गए। कोरिया जिले के बिहारपुर वन परिक्षेत्र में सागौन की लकड़ी चोरी करते 2 युवकों को पकड़ा गया। चोरी की जा रही लकड़ी की कीमत 50,000 रुपए आंकी गई है। वन विभाग ने दोनों आरोपियों पर कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश किया। मध्य प्रदेश होशंगाबाद में श्री गुरु नानक देव जी के 550वें स्थापित दिवस पर घाट स्थित गुरुद्वारे में कार्यक्रम मनाया गया। इस दौरान लंगर की व्यवस्था चलाई गई। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद ग्राम पंचायत गोंदकेरा मुख्य तालाबों में जगी जलकुंभी लोगों के लिए सिरदर्द बन चुका है। जलकुंभी उगने से लोगों को निस्तार में समस्या आ रही है, लिहाजा लोगों ने तालाब के अस्तित्व पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश मुरैना शहर से 5 किलोमीटर दूर स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय पिछले 4 महीने से बंद होने का मामला प्रकाश में आया। बताया जा रहा है कि स्कूल बंद होने से 43 बच्चों का भविष्य अंधकार में है। अहम बात है कि शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन की जानकारी में होने के बाद भी अब तक पहल नहीं किया जाना घोर लापरवाही की ओर इशारा करता है। उत्तर प्रदेश मुगलसराय में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी व सिख समाज के संयुक्त तत्वावधान में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ गुरु नानक देव जी के 550वां प्रकाश पर्व मनाया गया। इस दौरान हजारों लोग लंगर कार्यक्रम में शामिल हुए। सिख समुदाय श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व पर गुदरीपारा चिरमिरी के गुरुद्वारा में एकत्र हुए। इस दौरान श्री गुरु नानक देव जी के जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। वहीं विशाल लंगर में सभी जनमानस शामिल हुए। आज हम लोगों के सिख धर्म के प्रथम गुरु धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज का 550वां प्रकाश पर्व बड़े धूमधाम से इस गुरुद्वारा साहब में मनाया जा रहा है। गुरु नानक देव जी का एक ही संदेश था, कीर्त करो, नाम जपो, वर्ण छको, मेहनत करो, मिल बांट के खाओ और सबकी रक्षा करो, किसी से बैर नहीं लेना है, सबको मिलजुला कर चलना है, यही हमारे गुरु ने सिखाया है। इस संदर्भ में आज हमारे गुरुद्वारा साहब में परसों से चल रहे अखंड पाठ की समाप्ति हुई है, जिसका कि आज समापन हुआ। यहाँ पे दिल्ली से आए भाई जसप्रीत सिंह रागी द्वारा कीर्तन जत्थे का शानदार यहाँ पे प्रोग्राम शब्द कीर्तन द्वारा उन्होंने यहाँ संगत को बांध के रखा। उसके उपरांत गुरु का लंगर यहाँ बरत रहा है, जिसमें कम से कम 4 से 5 हज़ार लोगों ने अपना लंगर यहाँ पे हमारे गुरुद्वारा साहब